हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वीर साइंस प्रोजेक्ट में। आज आपके लिए फिर कुछ इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त चीज़ लेकर आया हूँ। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए गीज़र कह सकते हो इसको, और मतलब मल्टीपर्पज़ है, फास्ट क्विक हीटिंग है और परफॉर्मेंस अच्छा है। क्रिस्टल है, चारों तरफ से आप देख सकते हो पानी कितना क्लियर है, कुछ नहीं। ऑटोमेटिक ये फिल भी हो जाता है, पानी आप कम करते जाओगे ये फिल भी होगा, देन अपने आप बंद भी हो जाएगा, मतलब ओवरफ्लो का कोई चक्कर नहीं है। फुल्ली टेम्परेचर कंट्रोल है, आप जितना चाहो टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो, मतलब प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो। एक्यूरेट जगह पे कट ऑफ करता है, प्लस आपको अलार्म करके बताता है कि मेरा काम हो गया, मतलब हमसे हो गया भैया जो भी होना था। सारी चीज़ें देख लो। अभी मैंने वाटर, मतलब इसको आप डायरेक्ट लगा सकते हो, ये पानी खाली करके दिखा रहा हूँ। देन देखिए पानी जैसे ही खाली होता है इसमें अपने आप पानी भरना स्टार्ट हो जाता है, और आप जैसे ही नॉब को बंद करोगे देन पानी भी बंद हो जाएगा इसमें भरना। और अब इसके बाद आपको मैं इसका हीटिंग टेस्ट कराता हूँ। हीटिंग टेस्ट आप देखो कितनी अच्छी है, 3000 वॉट का इसमें एलिमेंट लगा हुआ है गीज़र का, मतलब ये होममेड गीज़र है, बट मार्केट के गीज़र से गारंटी है बेहतर है। ये स्पेशली आपको दिखाने के लिए इसलिए मतलब ग्लास में बना दिया, क्योंकि ये एक्चुअली मैं अपने घर में लगा रहा हूँ, मतलब किचन में लगाने जा रहा हूँ, क्योंकि किचन में काम करने में प्रॉब्लम होती है ठंडी में भाई सबको। अब गीज़र हर जगह यूज़ नहीं कर सकते हो, वो भी गीज़र जानते ही हो आप, मिक्सर लगाओ दुनिया का नाटक रहता है। मुझे लगा ये आप लोग के लिए बनाना चाहिए, मैंने बनाया। वीडियो अभी तक अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट करो, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट है यार, बाकी तो ज़िंदगी में कुछ भी नहीं। 40 डिग्री पर सेट किया और 42 पर ये कट ऑफ होता है, मतलब 2 डिग्री मैंने इसके अंदर डिफरेंशियल रखा हुआ है। आप पीछे देख लो, ये अभी कट ऑफ हो गया, बीप का साउंड आपको सुनाई पड़ रहा होगा। देन पीछे देखिए एलिमेंट ऑफ हो रहा है, और जब एलिमेंट ऑन रहता है तो उसमें से बबल्स निकलते हैं और ऊपर वाटर्स की लेयर निकलती है, मतलब हीटिंग निकलती रहती है, वो फील होता है, वो दिखाई पड़ता है बकायदा। पर आपको ज़रूरी नहीं है आप ग्लास में बनाओ, आप नॉर्मल से किसी भी मतलब कंटेनर में, बॉक्स में, ड्रम में, किसी भी चीज़ में बना सकते हो, 3000 वॉट का है। कैपेसिटी और कैपेबिलिटी की इसके बारे में बात की जाए, जितना भी कहूँ उतना ही कम है। ऑसम है यार, ऑटो फिल हो जाता है, मतलब कोई नाटक नहीं है इसमें, परफेक्ट है। ऑलमोस्ट ऐसे ही प्रोजेक्ट मैं एक बना के घर में अपनी बड़ी टैंक में, करीबन 300 लीटर का टैंक है वो, उसमें यूज़ कर रहा हूँ, पूरे घर में उसका कनेक्शन भी किया हुआ है खुद से ही मैंने। बस बीच में थोड़ा तोड़ताड़ हो रही थी तो वो हमारा सेटअप टूट गया, और मेरे किचन के लिए एक स्पेशल बनाना था। ये बॉक्स मेरे पास फालतू पड़ा हुआ था, ग्लास का 12 mm मोटा ग्लास है, अच्छी क्वालिटी का। वो डैमेज का चक्कर नहीं है, आपको लग रहा होगा क्रैक हो जाएगा या टूट जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई, बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं उस टाइप की चीज़ें, इस चीज़ का पूरा आइडिया है। मैं पानी खाली करके आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे 40 के नीचे जाता है, ये स्टार्ट हो जाता है, मतलब इसका हीटर स्टार्ट हो जाता है और 42 पे कट ऑफ कर देता है। वीडियो शुरू करने से पहले फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो शेयर करके मुझे सपोर्ट करो। और ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये टेम्परेचर एडजस्टमेंट है, मतलब आप इसका टेम्परेचर प्लस माइनस दोनों कर सकते हो, जितना टेम्परेचर चाहिए उस पर एडजस्ट कर लो। ये मेरे पास क्या कहते हैं, मतलब 7x7 का बॉक्स पड़ा हुआ था, करीबन 2 फीट लंबा, ये एलिमेंट में लेकर आया था, ये 1500 वाट का था। इस पर आप कॉस्टिंग वॉस्टिंग सब देख सकते हो, बट इसमें एक प्रॉब्लम थी, इसमें जो चूड़ी होती है, मतलब जो पीछे टाइट करने का सिस्टम होता है, वो बहुत छोटा था। मैंने इसके अकॉर्डिंग होल कर लिया था, इसमें एक्चुअली वारंटी भी मिल रही थी मुझे 1 साल की, और इसकी कॉस्ट तकरीबन 350 रुपये आती है। आप मार्केट से जो महंगा गीज़र खरीदते हो 4-5 हज़ार रुपये का ना भाई, उससे बेहतर प्रोडक्ट गारंटी है मेरी, 1000 रुपये में अपने घर पे बना लोगे, 1000 रुपये मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ आपको। अब बहुत ज़्यादा उसमें तामझाम लगाओगे तो, मतलब बॉक्स बॉक्स ऐसे ग्लास के बॉक्स में बनाओगे तब जाके 1000 रुपये खर्चा होगा। ये दूसरा एलिमेंट लेके आ गया था मैं, गोल वाला, इसमें नट बोल्ट से टाइट किया जाता है बाहर से। होल तो मैंने पहले ही कर लिया था इसमें ग्लास से, होल भी मैंने खुद ही किया हुआ। फिटिंग करते हैं, और ये जो आगे नॉब आप मुड़ा हुआ देख रहे हो ये एक्चुअली टेम्परेचर नापने के लिए होता है, ये थोड़ा लंबा था मैंने इसे तोड़ मोड़ दिया, मतलब मोड़ के फोल्ड कर दिया, पीछे से लॉक कर दिया। ये एक्चुअली ब्लैंक रॉड होती है, इसके अंदर हीटिंग के लिए आप मतलब अपना टेम्परेचर सेंसर डाल सकते हो। मुझे इसका यूज़ नहीं था मैंने लॉक कर दिया, कोई टेम्परेचर सेंसर इस पर मैं बाहर से ले लूँगा। अभी मैंने बॉक्स में इसको रबड़ सील लगा के जो इसमें मिलती साथ में लॉक कर दिया है, देन आप देख रहे हो। और अभी मैं पानी भर के इसमें टेस्टिंग कर रहा हूँ, मतलब पानी भर दिया, लीकेज चेक कर रहा हूँ कि लीकेज तो नहीं है। और रही बात हीट होके टूटने की, तो गारंटी है भाई, मतलब नहीं टूटेगा ये हीट होके, कितना भी हीट कर ले। रीज़न है
ग्लास जब एक बैग ठंडा होता है या एक बैग गर्म होता है तभी वो क्रैक होता है। मतलब ग्लास को गर्म करो और उस पर देन पानी डाल दो तो वो क्रैक हो जाएगा, वैसे नहीं। सेंड सेकेंड आइटम हमारा ये है जो ऑटो फिल का काम करेगा, मैनुअल ऑपरेटिंग है, सो बेहतर आइटम है और कांस्टेंट चलता है। और ये आपको बताता हूँ कहाँ कहाँ पे लगता है। ये वाटर टैंक में ऑटो शट ऑफ के लिए लगता है, प्लस आपके जो फ्लश टैंक होता है उसके अंदर भी लगता है ताकि वो ऑटो फिल हो जाए। सो बेहतर आइटम है। छोटा पीस लेकर आया था क्योंकि मेरे बॉक्स का साइज़ बहुत छोटा था, इसलिए मैं भी छोटा साइज़ बहुत ढूंढ ढूंढ के लेकर आया था। 120 रुपीज़ का मिला था, 120 रुपये का, तो मतलब 350 का उधर वो मिला था आपको एलिमेंट, देन ये 120 का, मतलब 470 ऑलमोस्ट ऐसे शायद। कैलकुलेट कर लेना यार, टाइम नहीं है अभी कैलकुलेट करने का, सुबह के 4 बजने वाले हैं, एडिटिंग वेडिटिंग भी रोज़ रोज़ एक ही काम करना है, सो टाइम लगता है। सो इसके भी होल कर लिए, अब वीडियो ज़्यादा लंबा ना करने के चक्कर में भाई कुछ चीज़ें मैंने शॉर्टकट में कर ली हैं, सो उसके लिए बुरा नहीं मानना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक वाला सामान नहीं है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स नहीं, कंपोनेंट्स की आपको डिटेल्ड बताऊँ, सो कॉमन सी चीज़ें हैं समझ लो। एक होल मैं ऑलरेस्ट करके दिखा रहा हूँ कि कैसे करा जाता है, पानी डाल डाल के ग्लास में, इसका बीट अलग आता है होल करने के लिए ग्लास। सो ऐसे ही है बड़े वाले होल को करने के लिए, भाई इसी बिट से मैंने बहुत कसरत की है तब जाके बड़ा होल हुआ है। देन होल करने के बाद सब आप साफ़ कर लो। ये वाइट कलर का जो दिख रहा था ये कोई पाउडर या कोई केमिकल नहीं था, एक्चुअली ग्लास जब घिसता है तो वाइट वाइट दिखाई पड़ता है। देन अब इसमें हम बॉल वाला आपका जो बॉल होता है इसको लगा के टाइट कर लेते हैं। और इसका सबसे मेन फीचर ये एक्चुअली मैंने लगाया इसलिए कि इसको आपको घर की मेन लाइन जो होती है उसमें अटैच कर सकते हो, मतलब झाम दम नहीं है कोई, बॉल होगा जैसे ही आपका पानी डाउन होगा देन ये भर देगा। ये देखिए इसी का सॉकेट भी है, ये मेन पाइप में लगने वाला 1/2 इंच का सॉकेट है, तो मैं टेस्टिंग के लिए तो नॉर्मली दिखाऊंगा। और टोटी भाई मैं मैनुअल लेकर आया हूँ अभी, मुझे टोटी नहीं लगानी है, बट आप लोग के लिए एक नॉर्मल से गीज़र बना के दिखाना हो सो आपको टोटी लगा के दिखा रहा हूँ। अभी देखिए टोटी इसमें घुसोड़ी पर गई नहीं, इसके लिए भी एक सॉकेट लेकर आया था मैं 1/2 इंच का, अंदर और बाहर दोनों ही लॉक करने के लिए। तो ये 1/2 इंच का सॉकेट आप मांगोगे तो आपको भी मिल जाएगा आसानी से, इस पर आगे टूटी टाइट हो जाएगी और पीछे आपका मतलब सॉकेट, देन इसको भी टाइट कर लेते तो बॉक्स की असेंबली हमारी ख़त्म हो जाएगी। तो रबड़ बॉर्सल्स जो होते हैं भाई उसको आपको लगाना ही है, और मैं फिर से बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं ग्लास में बनाओ यार, जो आपके पास मतलब लोहे के कंटेनर्स को छोड़ के, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि लोहा सेफ़ होता है यार, सीधी सी बात है, फैमिली का और अपने घर का यूज़ करना हो तो रिस्क नहीं लेना चाहिए लाइट से ना, लाइट होती बहुत ख़तरनाक है, सेफ़ रहो यार ज़्यादा बेहतर है। अगर लगता है कोई फॉल्ट होगी या दिमाग में कोई कन्फ्यूज़न है या कुछ है मत बनाओ आप, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट यार, परिवार पहले दुनियादारी बाद में। तो ये टोटी आप देख रहे हो मैंने लगा दिया तो काम इसका ख़त्म, पानी ऑलमोस्ट भर दिया है इसको, मैं चेक भी कर चुका हूँ कहीं पे कोई लीकेज नहीं है कुछ नहीं है। अरे यार बनाया मैंने, लीकेज कैसे हो जाएगा ना, सालों का एक्सपीरियंस है मुझे। सो अब सेकेंड पे आता है मतलब इसको ऑटोमेटिक करने के लिए, ये आपका एक पीसीबी आता है, मतलब पीसीबी नहीं मॉड्यूल है, टेम्परेचर मॉड्यूल, ठीक है, इसमें आप टेम्परेचर सेट कर सकते हो, जितना सेटअप करो कोई रिले चल जाएगी। अब आप ये रिले जो देख रहे हो ये बच्चे वाली रिले, मतलब 2-4 एम्पियर का सामान चलाना हो तो समझ में आता है, बट आपका 3000 वॉट का हीटर ये आपको लगता है चला लेगा, कत्ते ही नहीं चला सकता, जल जाएगा। सो इसको रिप्लेस करते हैं, पहले हम यहाँ से उठा के फेंकते हैं, इसमें वैसे भी एक ही NO टर्मिनल होता है, NC तो होता ही नहीं है, मतलब नीचे पॉइंट भी देखोगे तो आपको एक पॉइंट कटा मिलेगा, तो इसको उखाड़ के फेंक दो भाई किनारे, ठीक है। फिर उसके बाद 15 रुपये की एक, नहीं 15 रुपये का हम बता दिया भाई सॉरी, 20 से 25 रुपये की एक नॉर्मल रिले मिलेगी आपको 15-20 एम्पेयर की, आप वो लेकर आओ। मतलब थोड़ा सा खर्चा बताने चल रहा हूँ आपको, थोड़ा सा मतलब 100-150 वाला है यार भाई, बहुत लंबा नहीं, ये मॉड्यूल ये 200 रुपये का आता है टोटल ना। तो ये भाई ना मेरे पास पुरानी पड़ी है फिलहाल, मैं यूज़ कर ले रहा हूँ, 15-20 एम्पेयर की है, मतलब 15-20 एम्पेयर की ऑलमोस्ट शायद 10 या 15 एम्पेयर ऐसी चलती है, मगर हैवी लोड के लिए नहीं है भाई, नॉर्मल लोड के लिए है। तो हमको पीसीबी आगे लगानी, तो इसको हम बैक साइड में देखिए पिल अप कर रहे हैं, मतलब पीछे लगा रहे हैं, पीसीबी में आगे लगी हुई थी हम पीछे लगा रहे हैं, और इसके कॉइल के पॉइंट और एक कॉमन यही अटैच कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोनों पॉइंट उसके देखिए अभी भी फ्री है नीचे के। सो इसका काम बताता हूँ मैं क्या करना है, अब हमको एक 12 वोल्ट देखिए, 12 वोल्ट लिखा हुआ है ना रिलेस पे, 12 वोल्ट इसके कॉमन पर उठा देते हैं, मतलब सेंटर पॉइंट पर होल्डिंग कहाँ से कहाँ पर कर रहा हूँ अब देख लो, रीज़न है ज़बरदस्त मॉडल बनाएंगे मजबूत और पक्का, ताकि रोज़ रोज़ का अटक नहीं रहे, एक बार लगाओ सालों साल चले, ऑलमोस्ट बताया मैंने 3 साल यूज़ किया ऐसी चीज़ को, इससे बड़ी चीज़ को इस्तेमाल किया ऐसी सर्किट में। सो इसीलिए पीसीबी आपको ऐसी थोड़ी सी जली कटी दिख रही है, आपके लिए रीमेक कर रहा हूँ बस आप इतने समझो। ये कॉमन पे लगा दिया 12 वोल्ट, अब हमारा रिले के कॉमन पे आ रहा है, ठीक है। अब ये रही हमारी रिले बड़ी,
ये 70 रुपये की मिली थी, 20 एम्पेयर की रिले हैं और ये लगती है एसी में, मतलब बहुत ड्यूरेबल होती है भाई, एसी का कंप्रेसर चला देती है, तो आपको क्या लगता थी ना ज़रूरत का हीटर वो नहीं चला पाएगी। ऑलमोस्ट कह तो रहा हूँ 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ भाई इसको, मतलब इसी प्रोजेक्ट से। सो रिले के ऊपर जो 2 पॉइंट आपको मैंने दिखाया छोटे छोटे, ये कॉइल के पॉइंट हैं। इस पे कॉइल पे पहले 2 वायर निकाल लेने हैं। अब रिले आपके मदरबोर्ड से मतलब मॉड्यूल की बोर्ड से डायरेक्ट ऑपरेट नहीं हो पाएगी, रीज़न है यार ट्रांजिस्टर छोटे छोटे लगे होते जल जाएगी, और पहले भी बोला फिर से बोल रहा हूँ मजबूत आइटम बनाना है, सो मेरे हिसाब से कम करो आप, ये आपको जो बेहतर लगे आप वैसे भी कर सकते हो। तो रिले मैंने स्पेशली जो पीसीबी में मोल्ड की है वो इसीलिए क्योंकि उस रिले से हमको 12 वोल्ट का एक आउटपुट मिलेगा, मतलब ट्रिगर के थ्रू, जिससे ये रिले हमारी सेकेंड वाली ऑपरेट होगी, बड़ी वाली रिले, मतलब एम्पेयर का कोई चक्कर नहीं, मस्त इसको ऑपरेट करेगी। देन उसमें एनओ और एनसी पॉइंट होता है, तो हम उसका जो एनओ पॉइंट होता है मतलब नॉर्मल ऑर्डर पे जब वो एक्टिव होगा उस पर हम लगा देंगे आपका बज़र। तो अभी ये माइनस देखो, मैं ग्राउंड जो होता है उसके अंदर माइनस पे क्लिक कर दिया, मतलब सोल्ड कर दिया, और रिले का दूसरा वायर मैं जो पहली वाली रिले थी उसके एनओ पॉइंट पे सोल्ड कर रहा हूँ, मतलब सॉरी एनओ नहीं एनसी पे, क्योंकि ऑफ कंडीशन रहती है। तो ये हमारी एनसी पॉइंट पे कनेक्ट हो गया, ठीक है रिले। मतलब ये ऑफ कंडीशन है, देन अब हम एनओ पॉइंट जो होता है इसका नॉर्मल ऑर्डर्ड, मतलब जिस पे ऑलमोस्ट कनेक्शन आने के बाद जब आपका ट्रिगर होगा तो सप्लाई आएगी, देन उस पर हमको रिले के बज़र का कनेक्शन देना है। कनेक्शन देखते चलो भाई, अगर मैं एनओ और एनसी में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ या आप भी हो रहा हो तो इशू नहीं है। तो बज़र का माइनस जो होता है आप ग्राउंड में लगा लो, मतलब आपकी पीसीबी के ग्राउंड पे, और रिले का जो सेकंड पोर्ट आपका बचा हुआ है राइट साइड वाला उस पर बज़र का पॉजिटिव लगा लो। तो सारी चीज़ें भाई सफाई से करिए, जहाँ पे तार खुला रहे वहाँ पे सोल्डिंग के साथ सेलो टेप या हीट स्लीप्स हो तो उनको लगा दीजिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो। तो ये हमारा रिले मॉड्यूल रेडी हो गया, मतलब पावरफुल रिले मॉड्यूल। अब हम इसको चलाएंगे 12 वोल्ट के अडॉप्टर से। ये हमारे पास एक अडॉप्टर था 120 रुपये का, आपको मार्केट में मिल जाएगा, मतलब मैंने बताया ना मैक्सिमम 1000 रुपये खर्चा होंगे और बहुत बेहतर चीज़ बना लोगे। मार्केट में आपको ऐसे डिजिटल नहीं मिलेगा 1000 रुपये का, ये इस बात की गारंटी है ना। सो बनाओ यार, वैसे भी अपने हाथ की बनाई चीज़ बहुत अच्छी होती है, मतलब अपने हिसाब से आप सेलेक्ट करके उसमें सामान लगाते हो तो अच्छी तो होगी ना। सो ये 12 वोल्ट के कनेक्शन दे रहा हूँ, रिले के ग्राउंड पे माइनस दे दिया है अडॉप्टर का, और प्लस पे क्या कहते हैं 12 वोल्ट जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे प्लस पॉइंट दे दिया उसका अडॉप्टर का। सर्किट में या आपको पीसीबी में या मेकिंग में कोई भी परेशानी हो तो हमेशा क्या है भाई, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा रहता है व्हाट्सएप का, आपको क्वेरी हो हेल्प हो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं मेरे से प्रोजेक्ट बनाने में। अगर कोई प्रॉब्लम होती है या आपके पास कोई सजेशन है कोई नया प्रोजेक्ट का या आप कुछ चाहते हो अलग तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं बिल्कुल आपके लिए कोशिश करके वो चीज़ बनाऊंगा, बस थोड़ा सा टाइम आगे पीछे लगेगा। तो अभी सर्किट हम चेक करते हैं, देन ये सर्किट हमारा सॉरी ताल हिल गया, सर्किट फिर से लगाते हैं। ये जो आपका LLL लिख के आ रहा है और A लिख के आ रहा है ना, ये एक्चुअली इसलिए है क्योंकि यहाँ पे भी थर्मोस्टेट नहीं लगा हुआ। थर्मोस्टेट मीन्स आपको जो थर्मल कनेक्टिविटी दिखाता है, मतलब सेंसर का तार, सो उसको भी मैंने देखिए अटैच कर दिया। अब जैसे ही कनेक्शन देंगे ये ऑटोमेटिक नॉर्मल एक्टिव हो जाएगा, मतलब अभी ये हमारा रूम टेम्परेचर दिखा रहा है 30 डिग्री, ठीक है। इसमें पहला वाला जो हमारा स्विच होता है वो सिलेक्ट करके आप उससे टेम्परेचर प्लस माइनस कर सकते हो, मतलब वो सिलेक्शन का होता है, और राइट लेफ्ट का जो स्विच होता है दो स्विच एक्स्ट्रा होता है उससे प्लस और माइनस दो ऑफ कर सकते हो। तो ये हमारा देखिए टेम्परेचर सेंसर है, इस पर मैंने जैसे ही अपना सोल्डिंग आयरन रखा देखिए हीट होके लाल हो गया, देन रेड वाली LED जल गई है साइड में और बजर बीप भी कर रहा है, आप सुन रहे होगा पी की आवाज़ वो देखिए। तो 40 डिग्री के नीचे गया देन बंद हो गया क्योंकि मैंने इसको 40 और डिफरेंशियल 2 पे सेट किया। पहले मैं PVC का बॉक्स बनाने वाला था, सो वीडियो बहुत लंबी चौड़ जाती है इसलिए मैं बना बनाया एक बॉक्स ले आया भाई, इसी के अंदर सारा सामान फिट करेंगे और मस्त सा बना लेंगे। तो जिप टाइप से मैं टाइट कर रहा हूँ, आप भी जिप टाइप से टाइट करो, हॉट ग्लू लगाने का कोई बेनिफिट नहीं है, मतलब रुक जाएगा, या फिर क्या बोलते हैं उसको फैब्रिक एक्सेप्ट चिपका लो, मतलब जैसे आपको लगता है बेहतर से PVC में अपने
सब कुछ फिक्स कर लो ताकि इधर उधर हिल के भागे नहीं कोई चीज़, मतलब अच्छे से फिटिंग कर लो, शॉर्ट सर्किट नहीं हो, कुछ भी नहीं हो। तो सब फिटिंग हो गया, मैं जिप टाई से बांध रहा हूँ। जिप टाई मार्केट से ले सकते हो यार, किसी भी ऑटोमोबाइल शॉप पे मिल जाएगा आसानी से, क्योंकि जिप टाई का यूज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। हाँ वो सस्ती होती है, बहुत महंगी नहीं होती है, मतलब 10 रुपये में आप इतनी ले आओगे कि आपका काम हो जाएगा आराम से। सो जिप टाई से सब लॉक कर लिया। देन आप ऊपर हमें सेंसर लगाना, तो थोड़ा सा काट छाँट करके आप अपने हिसाब से लगा लो, ज़रूरी नहीं कि आप ऐसे ही बॉक्स लो या जो आपको ठीक लगे। ये बज़र लगा दिया, नीचे होल कर दिया उसका साउंड निकलने के लिए। अब ये हमने लिया हुआ है 3 mm का वायर, मतलब 3 mm का वायर चला लेगा आराम से, फुल कॉपर का है, अच्छी क्वालिटी का। और ये जो कटिंग देख रही है, सिंगल सिंगल दो वायर है भाई, बीच से कटिंग कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे हम रिले का पॉइंट लगाएंगे ना, सो उसी के लिए मैंने बीच से कट कर दिया पहले ही। सो होल करके एक इनपुट का तार निकाल लेते हैं, दो तार ऊपर कर लेते हैं, दो तार नीचे, और ये कटिंग बीच में ले आते हैं पहले, जिसको हम रिले पे देंगे। तो ये हमारा देखिए बीच का पॉइंट आ गया, दो तार ऊपर निकल गए, दो नीचे, दो हम सीधा अपने गीज़र में देंगे, मतलब जो हैंडमेड गीज़र है हमारा मस्त वाला, उस गीज़र पे देंगे। और दो वायर हमको बिजली में डालने हैं, मतलब मेन 220 वोल्ट पर। तो रिले पे यार अच्छे से सोल्डिंग कर लो, रिले थोड़ी मोटी होती है और तार भी मोटा है, तो नॉर्मल सोल्डिंग से मुश्किल है। 50-60 वाट का सोल्डिंग करना यूज़ करो, मतलब 60 वाट का मैं यूज़ कर रहा हूँ। और अगर आपके 35 वाट का भी है और उससे नहीं सोल्ड हो पा रहा है, तो आप एक काम करो, PCB लेके आप गैस के पास जाओ, अपने गैस पर सोल्डिंग आयरन गर्म कर लो और देन उसी से सोल्ड कर लो, कुछ ख़राब नहीं होगा भाई, सोल्डिंग आयरन नहीं ख़राब होगा। अब ये बच्चा हमारा एडाप्टर की 220 वोल्ट की सप्लाई, ये रिले के इन वाले वायर पे हम दे देंगे, जो हमारा बोर्ड से निकल के वायर आएगा रिले पे, एक वायर उस पर दे दे रहे हैं। देन दूसरा वायर छील के जो न्यूट्रल का जा रहा है इसी बोर्ड के अंदर से, उसको न्यूट्रल का छील के उस पर दे देंगे। तो जैसे ही आप बोर्ड पर सप्लाई ऑन करोगे, देन एडाप्टर पर सप्लाई आ जाएगी, एडाप्टर मॉड्यूल को सप्लाई दे देगा, और मॉड्यूल आपकी जो रिले की ऑपरेशंस हैं जो भी स्टार्टअप है वो सारे काम कर देगा, ठीक है। सो कनेक्शन बिल्कुल सिंपल से आप यहाँ पे देख लो, और नहीं भी होगा तो मैं डायग्राम आपको इसका बना के दे दूँगा। इजी है, सिंपल है, और भाई बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब सीरियसली आफ्टर मार्केट बेहतर चीज़ है। सो ये अभी बल्ब जो देख रहे हो, ये एक्चुअली हमें गीज़र का जो हमारा इमर्शन रॉड है, हीटिंग रॉड, उस पर लगाना है, बट अभी बल्ब पर चेक कर लेते हो। रेजर है यहाँ का जो हमारा स्विच बोर्ड है भाई, हल्का फुल्का है शोरूम का, तो उसको लगा के उड़ाना नहीं है अभी गीज़र को। गीज़र हम घर पे ले जाके चेक करेंगे, रीज़न है मैंने बताया ना घर के लिए बनाया, तो वाकई में घर पे ले जाऊंगा इसको। सो यार घर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इससे समझ सकते हो कि 100% सेफ़ और बेहतर प्रोजेक्ट है। सो ये देखिए जैसे ही स्टार्ट किया, देन हमारी क्या कहते हैं रिले अंदर से ट्रिगर है, मतलब ट्रिगर नहीं है, नो पॉइंट पे एनसी पॉइंट पे, तो ये बल्ब ऑटोमेटिक स्टार्ट हो गया। और टेम्परेचर भी 25 डिग्री है, इसका मतलब रिले ऑफ कंडीशन में है, और हमारा इमर्शन रॉड ऑन हो गया, बल्ब जलने का मतलब इमर्शन रॉड ऑन। अब ये देखिए 40 हमारा नॉर्मल टेम्परेचर मैंने सेट किया, और 42 पे इसको कट ऑफ होना है। अब माचिस जला के मैं गर्म करता हूँ, अभी गर्म करने का कुछ ऑप्शन नहीं, रीज़न है सोल्डिंग आयरन ऑफ कर दिया भाई, क्योंकि इसका काम नहीं है। तो माचिस की हीट दिखाते सेंसर को। अब जैसे ये 42 देखिए क्रॉस हुआ आपका, देखिए राइट में छोटी सी लाइट रेड कलर की जल भी गई और बल्ब भी बुझ गया, इसका मतलब आपका इमर्शन रॉड ऑफ हो गया। अब देन ये मैं थोड़ा सा मेटल लगा के इसको ठंडा कर रहा हूँ, जैसे ही 40 के नीचे गया देन फिर से इमर्शन रॉड स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ये फिर हीट करने लगेगा। सो अब अपने गीज़र से पानी निकालते जाओ, वो ऑटो फिल भी होता रहेगा और आपको गर्मा गर्म पानी देता भी रहेगा। बॉक्स आप जितना छोटा लोगे पानी उतनी तेज़ी से गर्म होगा, मतलब आप फटाफट गर्म कर सकते हो, पानी निकालते जाओ और गर्म होता जाएगा। या पानी की स्पीड आप थोड़ी स्लो करके निकाल लो तो भी गर्म हो जाएगा। अब 3000 वाट के हीटर में जितनी पावर या उसकी कैपेबिलिटी या उसकी जो कैपेसिटी होती है वो उसी के हिसाब से काम करेगा। सो 3000 वाट का लगाया, आपको ज़रूरत हो आप 4000 वाट लगाओ, और कम पावर की ज़रूरत हो 1500 वाट लगाओ। सो भाई देखो मैंने कहा था ना घर के लिए लेकर आओ, सो अब मैं घर पे लेकर आया, अब यहीं पे इमर्शन रॉड का कनेक्शन करेंगे। ये ऊपर मैंने एक PVC काट के लगा दिया, थोड़ा सा बोर्ड गंदा दिख रहा था, टॉप भी अच्छा लेकर आया हूँ, मतलब हैवल्स का टॉप लगाया हुआ है इसके अंदर, ताकि जल्दी ख़राब ना हो, घर पे यूज़ करना है। सो अब नॉर्मल ये जो पीछे मैं तार डायरेक्ट लगा रहा हूँ, इसके पीछे ढक्कन होता है भाई, आप ढक्कन लगा लेना। और मेरे पे अभी ढक्कन का सिस्टम नहीं था, क्योंकि मैं अभी फिट नहीं कर रहा हूँ, सुबह करूँगा क्योंकि रात का टाइम है। देन ये हमारा टेम्परेचर सेंसर है, टेम्परेचर सेंसर चाहिए आप पानी के अंदर डाल दो ऊपर से, चाहिए बीच की जो एक रॉड होती है ब्लैंक होलो वाली, जिसको मैंने कटिंग किया उस पर आप अटैच कर दो। मैंने क्लिप लगा ली है ताकि अटैच हो जाए। और आपका बोर्ड जो है टेम्परेचर सेंसर का, इसको आप दायां बाएं कहीं भी रख सकते हो। सो लुक देख रहे हो भाई, मतलब मे बी शायद आपको अच्छा लग रहा हूँ। ये ऊपर से मैंने ढक्कन लगाया हुआ है, और ढक्कन में छोटा सा होल है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो एयर पास होने के लिए।
सो अब इसके लिए बकेट लेकर आते हैं, नीचे रखते हैं ताकि पानी नीचे गिरे ना ज़मीन में, और ये हमारा प्लग है। देन ये पाइप लेकर आया हूँ मैं पाइपलाइन से, यहाँ पे हमें वैसे इसको जनरली फिक्स करना है अपनी मेन लाइन में, बट यहाँ आपको टेस्टिंग पे लगा के दिखा रहा हूँ सारी चीज़ें कि कैसे चलेगा। सो आप देख लो, ये नॉर्मल पाइपलाइन लगा दी पीछे, अभी पानी ऑन करूँगा, देन यहाँ से पानी फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, सो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दी, पानी भरने में भाई टाइम लगता है ना। सो फास्ट फॉरवर्ड के मज़े लो, और जैसे ही लास्ट में इसका नॉब ऑटोमेटिक ऑफ होने वाला होगा, मैं स्लो कर दूंगा वीडियो, आप देख लेना। सो 100% वर्किंग है यार, घर के लिए बना हुआ प्रोजेक्ट है। सो कोई फेक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 12 mm का ग्लास पे बनाया हुआ है, और ग्लास पे अच्छी क्वालिटी का है, मतलब सेंट गोविंद का। सो अब देखिए, मैंने वीडियो स्लो कर दी, अब देखिए इसका जैसे ही बॉल ऊपर उठेगा, ऑटोमेटिक वो चोक होकर लॉक कर देगा नॉब को, मतलब आपकी मेन लाइन का पानी ओवरफ्लो के नीचे गिरेगा नहीं। आप सोच रहे हो कि आपकी टंकी का पानी इसमें भर जाएगा तो ये पानी निकलने, ये कट ऑफ हो जाएगा, मतलब जितना ही टंकी में पानी भर, इसमें बॉक्स में पानी भरता जाएगा, उसका वॉल्व का प्रेशर उतना ही बढ़ जाएगा, मतलब उतनी ही तेज़ी से लॉक करेगा वो। देन टोटी खोल दी, अब देखिए पानी भी ऊपर स्टार्ट हो गया फिर से, मतलब भरना स्टार्ट हो गया, नीचे से खाली होना स्टार्ट, ऊपर से भरना स्टार्ट। सो हमारा पानी मतलब ऑटो फिल वाला सिस्टम देख रहे हो आप, टनाटन चल रहा है, मतलब छकास टाइप्स। तो यार अब इतना मतलब यहाँ तक साथ में आया वीडियो को, तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया भाई को? कोई नहीं भाई हो मेरे, आज नहीं तो कल समझो गई मेरा दर्द, बट कुछ नहीं, चलो अच्छा वीडियो पे कंटिन्यू रहते हैं, बहुत सब्सक्राइब सब्सक्राइब हो गया, ठीक है इतना कर दिया, बहुत बहुत थैंक यू। सो अभी मशीन ऑन किया मैंने, ठीक है, इमर्शन रॉड भी हमारा ऑन हो गया है, नॉर्मल वाटर टेम्परेचर भी 27 है, ठीक है। ये देखिए इसमें मतलब हीट निकल रही है पानी में, देखिए फील हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है हीट बकायदा, मतलब वेव चल रहे हैं उसके, और छोटे छोटे बबल्स भी। तो अभी ये 27 है, फास्ट फॉरवर्ड कर दिया थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगा था गर्म होने, पर फास्ट फॉरवर्ड कर दूँ, आप 5 मिनट तक तो वेट नहीं करोगे मेरे लिए। सो आप टेम्परेचर देखते जाओ और हीटिंग भी देखते जाओ भाई बबल्स की, 30 हो गया एंड 31, अब मैं काउंटिंग करूँगा तो मज़ा नहीं आएगा, अब डिस्प्ले देख के काउंटिंग देखो ज़्यादा मज़ा आएगी आपको। सो इसको कट ऑफ कहाँ पे करना है, ये कट ऑफ करेगा हमारा 42 पे, रीज़न है हमने इसका 40 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर सेट किया हुआ है और 42 मैक्सिमम, आपको मिनिमम और मैक्सिमम नहीं करना, आप 40 करोगे तो ऑलमोस्ट वो 2 डिग्री एक्स्ट्रा लेके ही चलेगा, और 2 डिग्री डाउन होने पर रिस्टार्ट हो जाएगा। अभी फास्ट फॉरवर्ड है, पर जैसे ही 40 पहुँचेगा मैं इसको स्लो कर दूंगा, मतलब ऑन होने की कंडीशन में स्लो कर दूंगा वीडियो को, आप समझ लेना। जनरली मैं स्टेप वाइज दिखा देता पर आपको लगता है वर्किंग नहीं है, इसको ऐसा कुछ नहीं है भाई, बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छी प्रोजेक्ट है, और ये अभी से नहीं बहुत पुराना है, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ ऑलमोस्ट, बस आपके लिए नया बना दिया बॉक्स में छोटा साइज, मेरे पास 300 लीटर का है, मतलब बड़ी टंकी में लगा रखा है। अब चलो वीडियो स्लो मोशन में करते हैं, आप देखो ये हुआ 42, देन रिले हमारी कट ऑफ, बीप का साउंड आपको सुनाई पड़ रहा होगा बढ़िया वाला, इमर्शन रॉड भी देखिए बंद होने वाली है, मतलब हीटिंग उससे निकलना बंद हो जाएगा, आपको फील हो जाएगा बबल्स उठना कम हो जाएंगे, अभी हीट हो रही है ना, आप देखो। और यह आप सोच रहे हो 43 तक कैसे चला गया, वो एक्चुअली रॉड गर्म है ना भाई, तो 1-2 डिग्री तो एक्स्ट्रा वो गर्म कर ही देगी ना, मतलब इंस्टेंट तो बर्फ़ हो नहीं जाएगी कि तुरंत ठंडी हो गई, तो 1-2 डिग्री आगे पीछे हो सकता है। सो अब इसका पानी हम निकालते हैं टंकी का, आपको दिखाते हैं ऑटो फिल कैसे होता है और ऑटोमेटिक हीट कैसे होता है। ये देखिए पानी हमारा अपनी जगह पर रुका हुआ है, मस्त गर्म हो गया झमाझम, और मीटर डाल के दिखाने की ज़रूरत है, डिजिटल मीटर ऑलरेडी लगा है। देन ये पानी हमने खाली स्टार्ट करना शुरू किया, ऊपर से फ्रेश वाटर हमारा इसमें एंटर होना स्टार्ट हुआ, तो इसका मतलब पानी ठंडा होने लगा, जैसे ही पानी ठंडा होने लगेगा हमारा देखिए मीटर टेम्परेचर डाउन हो रहा है, जैसे ही 40 डिग्री पहुँचेगा ये फिर से स्टार्ट हो जाएगा। देन बस यहीं तक मेहनत थी भाई की अपने, तो ठंडी का तोहफा ही समझ लो यार, कि बब्बे कर दूँगा आप लोग को एक ना एक दिन इन सब चीज़ों का, बट अभी घर के यूज़ का है सो अभी फ़िलहाल तो यूज़ करने तो मेरे भाई। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, भाई के चैनल को सब्सक्राइब, और हो सके तो शेयर, और कुछ भी नहीं कर पाना तो भाई कम से कम सिर्फ सपोर्ट ही करना, एक छोटा सा कमेंट बहुत मैटर करता है मेरे लिए। सो ये एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे भी आपको चाहिए, 30 डिग्री चाहिए, 40 डिग्री चाहिए, जो भी चाहिए आप कर लो, ठीक है। बस वीडियो यहीं तक था, सो जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, टेक केयर, और मेरी तरफ से गुड नाइट, यार गुड नाइट ही बोल सकता है, 4:10 हो गया, सो बाय बाय, टेक केयर भाई लोग।